हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और इन 3 दिनों के विषयों में आपको पता है कि ठीक है कि उनका कॉल जो है वो तो 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे वो सब था। और देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा भूमिका ये रखूंगा कि पहली बात तो है कि विषय जो डिमांड है वो हरियाणा सरकार से नहीं है, वो सारी डिमांड चूंकि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है, आज भी वो लोग लगातार इस समय उनकी वीडियोस आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी हर्ड ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए, आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है, दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। और किसानों का तरीका ठीक नहीं बता रहे हैं सीएम खट्टर, उनका ये कहना है कि हमें आम पब्लिक को बचाना है, ये तरीका जो इतने लंबे चौड़ा रेला चल रहा है, कई सारे ट्रैक्टर इसमें शामिल हैं, एक साल का अनाज लेकर पहुंचे हैं, विरोध का ये तरीका ठीक नहीं है, और इस पर केंद्र सरकार ही बातचीत करेगी, में हरियाणा सरकार की बातचीत का कोई रोल नहीं है। किसी को दिल्ली जाने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन तरीका ठीक करें किसान, जिससे आम जनता को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो।